मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे महारानी के झूठे लांछन का सामना करना पड़ेगा। क्या बात करते हो, हमारे गांव की मिट्टी के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। ये क्यों नहीं कहता कि तुम महारानी के पास गया था? बेटे से बिछड़ जाने के बाद हम तो कब के टूट चुके होते। पवन कहाँ गया वो मनुष्य? अभी तो यही था। और बंदी? इससे पहले कि वो आदि मानव आकर मुझे अपना भोजन बना ले, मुझे यहाँ से चुड़ा कर कहीं दूर ले चली। मूर्ख खत्म, तुम तो कह रहे थे कि वो घोड़ा नहीं कोई मायावी शक्ति है। हम चंद्रमुखी के राज्य के निवासी नहीं है। तो फिर कौन हो? मेरा उद्देश्य चंद्रमुखी को पाना नहीं है बल्कि कुछ और है। कुछ और है? चंद्रमुखी के राज्य की ओर जाने वालों का उद्देश्य केवल एक होता है वनराज, चंद्रमुखी को पाना। तो फिर तुम्हारा क्या उद्देश्य हो सकता है? मेरा उद्देश्य है चंद्रमुखी के फूल को पाना। मेरे पिताश्री की दृष्टि को लौटाने का एक ही उपाय है, वह चंद्रमुखी का फूल। उस फूल को पाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्य बहुत कठिन है वनराज। रूपनगर के पथ में तुम्हें सैकड़ों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चंद्रमुखी के पहरेदार दिन रात पहरा देते हैं, उन सब से निपटने के पश्चात ही तुम्हें सफलता की देवी का आशीर्वाद मिल सकता है। मुझे मेरी मां का आशीर्वाद मिल चुका है, अब मुझे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती, ये मेरा अटल विश्वास है। तुम्हारा विश्वास देखकर हमारा विश्वास भी वापस आ गया वनराज। इन भयानक जंगलों में उन्हें ढूंढते ढूंढते हमारा विश्वास डगमगा गया। तो तुम अपने बड़े भाई को ढूंढने निकले? हाँ वनराज, हमारे बड़े भाई विजेंद्र सिंह अनेक राजाओं के समान चंद्रमुखी को पाने की लालसा लेकर रूपनगर के पथ पर निकले थे और कभी वापस लौट कर नहीं आए। उन्हें ढूंढते ढूंढते हम यहां तक पहुंचे जहां हमारी तुमसे भेंट हुई। ईश्वर शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई से मिलवा देंगे, बस अपने मन के विश्वास को मरने मत देना। मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ है। हम प्रस्थान करते हैं, जीवित रहे तो फिर मिलेंगे। चंद्रमुखी के पहरेदारों से सावधान रहना। सब कुशल मंगल तो है महामंत्री जी। यदि सब कुछ कुशल मंगल होता तो मैं यूं इस तरह अचानक नहीं आता। महामंत्री जी, मंत्रीवर पर यदि आपने अपनी दृष्टि नहीं जमाए रखी ना और यूं ही विश्वास करते रहे तो एक दिन आप और आपके पुत्र कुंवर धुआं सिंह जी पर किसी भी समय कोई भारी संकट आ सकता है। भारी संकट आ सकता है वो कैसे? आज तुम्हारे मंत्रीवर रणवीर सिंह ने हमारे विरुद्ध ऐसा क्या कार्य कर दिया जो तुम अपने दाता के ही विरुद्ध हो गए हो? क्षमा कीजिए महामंत्री, मैं उनके विरुद्ध नहीं हूं, परंतु मैंने सदा आपका साथ देने और आपके विश्वास को ना तोड़ने की सौगंध खाई है, बस उसी का पालन कर रहा हूं। और इसलिए मंत्रीवर की सच्चाई बताने के लिए मैं आपके पास चला आया। अच्छा तो ये बात है, फिर बताओ तुम्हारे मंत्रीवर रणवीर सिंह की सच्चाई क्या है? अगर हम तुम्हारी सूचना से संतुष्ट हुए तो मंत्रीवर को उचित दंड जरूर देंगे। महामंत्री जी, मुझे अपने विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि मंत्रीवर रणवीर सिंह जी आपके विरुद्ध कोई ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं जिससे आपका तख्त पलट जाएगा और आप अपनी शक्तियों से हीन हो जाएंगे। ये क्या बात कर रहे हो नागराज? मंत्रीवर रणवीर सिंह वर्षों से हमारे विश्वास पात्र रहे हैं, फिर अभी अचानक वो हमारे विरुद्ध कैसे हो सकते हैं?
नहीं नहीं, तुम दोबारा जांच परख करके देख लो। अगर तुम्हारी सूचना सही नहीं हुई तो तुम्हें मृत्यु दंड भी हो सकता है। जानता हूँ महामंत्री जी, जानता हूँ। इसीलिए सब कुछ जांचने परखने के पश्चात ही मैं आपके सामने अपना शीश झुकाने आया हूँ। यदि मेरी बात मिथ्या है तो आप मेरा ये शीश कटवाकर कहीं भी फेंकवा दीजिए। मैंने बरसों आपका नमक खाया है और मरते दम तक मैं इसका पालन करता रहूंगा। और यदि आप चाहें तो आप स्वयं मंत्रीवर की गुप्त जांच करवाकर इस सच्चाई का पता लगा सकते हैं महामंत्री जी। मंत्रीवर के षड्यंत्रों की गुप्त जांच तो हम करवाएंगे, और अगर मंत्रीवर दोषी पाए गए तो उनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन ये योजना हमें गुप्त रखनी होगी ताकि रणवीर सिंह को संभलने का लाभ न मिल सके। जांच के दौरान हम रणवीर सिंह को अपनी सीमाओं से दूर किसी जंगल में भेज देंगे और किसी ऐसे कार्य में उलझा देंगे जिससे कि वो शीघ्रता से अपने महल में लौट ना सके। हम अभी इसी वक्त उसे पथभुक्त करते हैं, लेकिन नागराज, जब तक सच्चाई सामने ना आए तब तक महाराज के कानों पर अपने षड्यंत्रों की भनक तक पड़ ना सके। ये तो आपने अति उत्तम निर्णय लिया है महामंत्री जी, अति उत्तम। आपका ये निर्णय सुनने के बाद मेरे मन पे जो बोझ था वो सारा उतर गया है। परंतु फिर भी मुझे सामने एक विकट समस्या खड़ी दिखाई देती है। मंत्रीवर के महल में ना होने पर जब महाराज हमसे उनके बारे में पूछेंगे तो हम उन्हें क्या उत्तर देंगे? उसका भी समाधान मैंने खोज लिया है नागराज। रणवीर सिंह के रिक्त पद को भरने के लिए हमारा विश्वास पात्र रत्न राजवीर सिंह हमने चुन लिया है। तुम शीघ्र ही राजवीर सिंह के पास जाओ और तुरंत से हमारे पास ले आओ। जाओ। मैं आपकी आज्ञा का भी पालन करता हूँ। महामंत्री जी, सेवक उपस्थित है। आदेश दीजिए रूपनगर के किस शत्रु को परलोक भिजवाना है? किसी एक शत्रु को नहीं, अनेक शत्रुओं को परलोक भिजवाना है राजवीर, क्योंकि इस रूपनगर को हम एक संपूर्ण शमशान के रूप में देखना चाहते हैं। ये तो अति प्रसन्नता की बात है महामंत्री जी, क्योंकि महल में सोई हमारी तलवार लंबे समय से रक्त की प्यासी है। यदि आप आदेश दे तो रूपनगर के पथ में शवों को बिछवाने का शुभ कार्य हम अभी प्रारंभ करवा दे। नहीं राजवीर सिंह, नहीं, अभी यह शुभ अवसर आया नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारी शक्तियां महाराज की तुलना में थोड़ी सी कम है। जिस दिन इन शक्तियों के तराजू में महाराज से तुल्य बल हो जाएंगे तभी हम तुम्हें वो शुभ अवसर भी देंगे। किंतु इस समय हमने तुम्हें एक दूसरे ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाया है, और हमें विश्वास है कि तुम असफल नहीं होगे। आपके विश्वास पर खरा उतरना राजवीर सिंह का परम धर्म है। यदि आप आदेश दें तो हमारे बलिष्ठ कंधे नए कार्य का भार उठाने के लिए मचल रहे हैं। तुम्हें पूर्व मंत्री वर रणवीर सिंह का सिंहासन संभालना है। ओ, तो रणवीर सिंह को आपने पदमुक्त कर दिया? हाँ, हमने उसे पदमुक्त कर दिया, क्योंकि उसकी स्वामी भक्ति पर हमें संदेह था। संदेह? परंतु रणवीर सिंह आपके चरणों का परम भक्त था महामंत्री जी, फिर उसने ऐसी क्या मूर्खता की जो आपको ये निर्णय लेना पड़ा? रणवीर सिंह ने सोने की उस थाली में छेद करने का प्रयास किया जिस थाली ने उसका पेट भरा। वो मूर्ख तो ये भी भूल गया था कि बेटा बाप से कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बाप के कद के सामने बेटे का कद हमेशा छोटा ही रहता है। इसीलिए हमने उसे अपने राज्य की सीमा से दूर किसी जंगल में भेज दिया है। अब रणवीर सिंह के सिंहासन पर तुम बैठोगे और हमारे षड्यंत्र के रथ को भी तुम ही खींचोगे। आपने हमें इस योग्य समझा, ये हमारे लिए अति सम्मानजनक है। यदि आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए हमें अपना शीश भी कटवाना पड़े तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। पर कभी रणवीर सिंह लौट आया तो वो हमसे ईर्ष्या तो नहीं करेगा? ऐसा ना हो कि घर का भेदी ही घर की लंका को जला जाए। राजवीर सिंह, तुम शायद भूल रहे हो,
ये सोचना दाता का काम है और उस पर चुपचाप अमल करना, उसका पालन करना दास का काम है। क्षमा करना महामंत्री जी, भूल हो गई। आशीर्वाद दीजिए महामंत्री जी कि आपके चरणों में हमारा शीश झुका रहे और सदैव आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे। जाओ राजवीर सिंह, जाओ, सदैव शत्रुओं का रक्त बहाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ। कितना बीहड़ जंगल है, दूर दूर तक कोई मनुष्य भी दिखाई नहीं दे रहा। हम बहुत कठिन पथ पर चल रहे हैं जोरावर। कठिनाइयां झेल कर आगे बढ़ने वालों को सदा विजय श्री प्राप्त होती है युवराज, और मुझे पूर्णता विश्वास है कि विजय श्री के रूप में आपको राजकुमारी चंद्रमुखी मिलने वाली है। बस आप आगे बढ़िए। अश्व के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते जोरावर, चल चल के हमारे पैर मुड़ चुके हैं। और इस जंगल में इतनी शांति क्यों है? क्या सारे पशु पक्षी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं? ऐसा नहीं युवराज, यदि आप क्रोधित ना हो तो मैं बताऊं ऐसा क्यों हो रहा। शीघ्र बताओ, बार बार पूछ के हमारा समय नष्ट न करो। आप जैसे चक्रवर्ती सम्राट को देखकर जंगल के पशु पक्षी भयभीत हो गए और छिप कर बैठ गए। आपकी वीरता और आपके शौर्य की चर्चा केवल और केवल अलकापुरी तक सीमित नहीं, अभी तो सारे संसार में फैल गए हैं युवराज। इसीलिए तो सारे हिंसक पशु पक्षी भी चुपचाप होकर बैठ गए। शाबाश सरावर, शाबाश। आज बहुत दिनों के बाद तुमने बुद्धिमाने की बात कही है। वैसे तुम हो तो बहुत बुद्धिमान, लेकिन इस बुद्धि का उपयोग करने में बहुत आलस करते हो। नहीं नहीं, आज के उपरांत कोई आलस्य नहीं होगा। तो फिर चले युवराज या विश्राम करें? चलना तो हम चाहते हैं, लेकिन चलने की हिम्मत हमारे पैरों में नहीं है। तो फिर क्या करें युवराज, ऐसे खड़े खड़े तो आपको चंद्रमुखी प्राप्त नहीं होने वाली ना। तो तुम खड़े खड़े हमारा मुख क्या देख रहे हो? जाओ और जाकर हमारी प्यास बुझाने का कोई उपाय करो। ढूंढो कोई ना कोई झील या झरना अवश्य होगा, पानी लाओ। आप क्या कह रहे हैं युवराज, ऐसे बीहड़ में जल? आप मेरे साथ चलें, रास्ते में कोई झील या झरना दिखाई दे तो आप स्वयं अपनी प्यास बुझा लें, अन्यथा आपको जल लाकर देने के लिए तो मेरे पास कोई जल पात्र भी नहीं है। तो फिर इस चुल्लू में भर कर ले आना, लेकिन दोबारा हमारे दिए हुए आदेश का उल्लंघन मत करना, वरना हम तुम्हारा ये शीश काट कर इस जंगल की मायावी शक्तियों को भेंट चढ़ा देंगे। क्षमा युवराज, क्षमा। आज के उपरांत आपके सामने आपका ये सेवक कभी नेत्र उठाने की चेष्टा भी नहीं करेगा ना। तो जाओ। जा रहे हैं युवराज, किंतु आप अपना ध्यान रखिएगा। जाओ। वाह वाह रे वाह युवराज, तुम्हारे मन में जरा सी भी दया नहीं। सेनापति बना दिया, ऐसा गुड़ लगाया मेरी गोली पर, ना चाटते बनता है ना खाते बनता है। ऊपर से क्या पानी लेकर आज बराबर। सोचा था युवराज के साथ चंद्रमुखी के महल में जाकर उसकी सुंदर सुंदर दासियों के साथ प्रेम का वासा फेंकूंगा, लेकिन यहाँ महल तो दूर, यहाँ तो दूर दूर तक जंगल ही समाप्त नहीं हो रहा। अरे वाह चुराला, पानी का झरना। आज भाग्य तेरा बहुत साथ दे रहा है, पहले चलकर अपनी प्यास बुझा। युवराज की प्यास बात लगेगी, पहले चलकर अपनी प्यास बुझा। युवराज की प्यास बात लगेगी।
सारे दिन से जंगलों में भटक रहे हैं, पता नहीं वो युवराज कहां पर है। दौड़ते दौड़ते तो घोड़े भी थक गया। वो देखे, कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है। हाँ, कोई मनुष्य तो लगता है। मिल गया महामहिम, जिसकी खोज में हम सारे दिन से जंगलों में भटक रहे हैं, वो युवराज हमें मिल गया। जी नागराज, कोई युवराज तो नहीं लगता, अभी तो कोई भिक्षुक लगता है। उसके वस्त्र और अवस्था तो कोई भिखारी जैसे लगती है। जल कैसे पी रहा है जैसे कभी जल देखा ही ना हो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, भाग्य का सताया हुआ कोई भिक्षु लगता है। उसको बुलाकर उसी से पूछ लेते हैं। हे पथिक, पथिक, हे पथिक, इधर आओ, हमने कहा जल्दी आओ। हमने कहा जल्दी आओ। हे पथिक, कौन हो तुम? मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ, अपने अन्नदाता की तृष्णा मिटाने के लिए पूछ रहा हूँ। अपने अन्नदाता की प्यास बुझाने के लिए है। कौन है तुम्हारा अन्नदाता? अलकापुरी के युवराज कुमार भानु प्रताप सिंह हैं मेरे अन्नदाता। इस समय प्यास से व्याकुल वो मुझे ही याद कर रहे होंगे। तुम भाई अपने जाकर मान्यवर उनकी प्यास बुझाऊं। तुम्हारे युवराज भानु प्रताप सिंह है का? तुम्हारे युवराज का यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? यदि तुमने सच सच नहीं बताया तो तुम्हारी समाधि हम यही बना देंगे। मुझे निर्दन को मत मारिए, अन्यथा मेरे साथ साथ आप भी नर्क में जाएंगे। महामंत्री को नर्क में जाना पड़ेगा, परंतु क्यों? वैसे यदि इन्होंने मुझे यही समाप्त कर दिया तो मेरे अन्नदाता प्याज से मर जाएंगे। यदि वो प्याज से मर गए तो सीधे नर्क जाएंगे, तो उनकी हत्या का पाप आपके सर नहीं आएगा तो किसके सर आएगा? आप मुझे उन्हें जल पिलाने में दीजिए, उसके पश्चात यदि आप मुझे मार भी देंगे तो मैं हंसते हंसते प्राण दे दूंगा। महामहिम, ये तो मुझे कोई पाखंडी मनुष्य लगता है। ये अपने प्राण बचाने के लिए हमें मूर्ख बनाने का प्रयत्न कर रहा है। हम जानते हैं नागराज, ये बेचारा अपने मृत्यु के भय से प्राण बचाने की। देखो पथिक, डरो मत, हम तुम्हारे शत्रु नहीं है, हम राजकुमारी चंद्रमुखी के पहरेदार हैं। हमें सत्य बताओ, तुम्हारा कुछ नहीं मिलेगा। क्या, चंद्रमुखी के पहरेदार? तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? हमारे युवराज तो चंद्रमुखी के दर्शन करने के लिए इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ पधारे हैं। तुम्हारे युवराज हमारे राजकुमारी जी के विशेष अतिथि हैं, जिसके अगवानी के लिए चंद्रमुखी जी ने हमें भेजा है। राजकुमारी चंद्रमुखी ने आप पहरेदारों को हमारी अगवानी के लिए भेजा है? हाँ पथिक, हम वहाँ पर आपके युवराज का स्वागत करने के लिए सारे दिन से जंगलों में भटक रहे हैं। आप एक बार हमारे साथ महल में तो चलिए, फिर देखिए राजकुमारी से पहले हमारे महामहिम आपके युवराज का कैसा स्वागत करें। क्यों महामहिम? ठीक कह रहे हो ना, इस युवराज की खोज ने हमें बहुत भटकाया है। अब हम अपनी पूरी थकान इस पथिक के युवराज पर उतारने वाले हैं। पथिक, चलो तुम्हारे युवराज के। युवराज, युवराज,
उसके लिए कितने सारे पैसे देने से राजकुमारी चंद्रमुखी के सेवक है, किंतु कुछ ही दिनों में ये सब आपके सेवक होने वाले हैं। ये तुम क्या कह रहे हो सोलावत? कुछ समझ नहीं पा रहे। हमने तो तुम्हें जल लाने के लिए भेजा था, तुम इन सबको कहां से और कैसे ले आए? ये सब मैं आपको किसी और पल बताऊंगा। बस तुम समझ लीजिए कि मेरी तपस्या पूर्ण हो गई और आपके स्वप्न भी पूर्ण होने वाले हैं। समझ लीजिए कि राजकुमारी चंद्रमुखी जी ने इन सब सेवकों को हमारे स्वागत के लिए भेजा। हमारे स्वागत के लिए भेजा? वो तो तुम्हारे स्वागत के लिए नहीं, केवल हमारे स्वागत के लिए भेजा होगा। लगता है राजकुमारी जी को पता चल गया कि हम उन्हें अपनी रानी बनाने आ रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं युवराज। राजकुमारी जी ने हमें आदेश दिया है कि हम आपको सम्मान पूर्वक उनके राजमहल तक स्वयं राजकुमारी चंद्रमुखी ने हमारे लिए आमंत्रण भेजा। हाँ योगराज, आपके स्वागत के लिए राजकुमारी चंद्रमुखी के पूरे राज्य को गुलाब और चंपा के फूलों से सजाया गया, और आपके आने का समाचार मिलते ही चंद्रमुखी के राज्य के वासी नाच गाकर उत्सव मनाने लगे। देखा जोरावर, इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। युवराज, आपने केवल सुना था कि जिन प्रेमियों के हृदय में सच्चे प्रेम होता है वो सात समुंदर पार जाकर मिलते हैं, कि तू आज तो साक्षात दर्शन भी हो गए युवराज। अब चंद्रमुखी को देखने की हमारी इच्छा और प्रबल होती जा रही है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हमारी अर्धांगनी चांद अपने पलके बिछाए हुए अपने महल के झरोकों से हमारी राह देख रही है। चांद, ये चांद कौन है? चांद चांद अर्थात राजकुमारी चंद्रमुखी। हमारे युवराज प्रेम से चंद्रमुखी जी को चांद कहते हैं, क्यों युवराज? हाँ, वो सिर्फ हमारे लिए चांद। यदि तुम में से किसी ने उसे चांद पुकारा तो हम तुम्हारी जीवा खींच लेंगे। आपके अतिरिक्त और कितना चांस हो सकता है युवराज? युवराज, मुझे तो इस वन में राजकुमारी चंद्रमुखी के महक में गूंजती हुई शहनाई सुनाई दे रही है। वाह जोरावर, वाह! सेनापति के सिंहासन पर तुम अवश्य बैठो। बस तुम हमें ऐसे ही शुभ समाचार हमेशा सुनाते रहना। युवराज, समय कम है, कृपया हमारे साथ आने का कष्ट कीजिए। राजमहल में आपकी प्रतीक्षा हो रही है। हम तैयार हैं। नागराज, युवराज और उनके सेवक को सम्मान पूर्वक घोड़े पर सवार होने दिया है। सैनिकों, सवारी तैयार करो। चलिए युवराज।
पथ में बाधा डालने का प्रयत्न कौन कर रहा है नागराज? कहीं ये डाकू त्रिकेश्वरी तो नहीं? आपने ठीक कहा महामहिम, आप जैसे महाबली को ललकारने का साहस दुर्गेश्वरी के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? दुर्गेश्वरी? ये दुर्गेश्वरी कौन है? ये एक महिला डाकू, परंतु आप घबरा ही नहीं राज, हम अभी उसे ललकार। अरे कायरों के सम्मान पहाड़ों के पीछे से कौन दीप जला रहा है? साहस है तो सामने आओ। ये क्या? आपके राज्य में कोई स्त्री डकैत बन जाती है? हमारे राज्य की कोई स्त्री किसी पराए मनुष्य को नेत्र उठाकर भी नहीं देखती। दुर्गेश्वरी, यदि हाथों में तीर कमान उठाने का साहस रखती हो तो पहाड़ों की ओर से क्यों तीर साध रही हो? शेरनी का दूध पिया है तो मैदान में आओ। बुरा मत मानिएगा मान्यवर, हमारे युवराज के भय से आपकी डाकू दुर्गेश्वरी युवराज के सम्मुख नहीं आएगी। क्यों युवराज? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो सरावर, भला एक स्त्री हमें अपना मुख कैसे दिखा सकती है, वो भी इस रण क्षेत्र में। तुम ठीक कह रहे हो सरावर, भला एक स्त्री हमें अपना मुख कैसे दिखा सकती है, वो भी इस रण क्षेत्र में। हमारा अंदेशा ठीक है। बताओ दुर्गेश्वरी, राजवीर सिंह के पथ में अवरोध बनने का कैसे किया? तुम इसका परिणाम जानती हो? परिणाम की चिंता कायरों को होती है, डाकुओं को नहीं। अगर डाकू दुर्गेश्वरी को परिणाम की चिंता होती है, हाथों में तीर कमान नहीं उठाती, सुहाग की चूड़ियां पहनती। तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो, अगर तुमने या तुम्हारे सैनिकों ने एक भी बार किया तो मेरे साथी डाकू सैकड़ों तीर मारकर तुम सबको समाप्त कर देंगे। देख लिया ना, मृत्यु के दूत तुम्हारा स्वागत करने के लिए कैसे खड़े। क्या चाहती हो तुम? विजेंद्र सिंह, मुझे विजेंद्र सिंह चाहिए। तुम मुझे मेरा प्रथम प्रेम लौटा लो और मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगी। बोलो, सौदा करते हो या मृत्यु का वरण? हमने किसी शेर में भी दहाड़ने का साहस नहीं होता। तुम जानती नहीं कि हम कौन हैं? आप अलकापुरी के युवराज भानु प्रताप सिंह, ये आपका दाहिना हाथ जोरावर सिंह। वाह युवराज, वाह,
ये आप ही को नहीं अभी तो हमको भी जानती है। ऐसी समझदार महिला डाकू मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। ये हमें क्यों नहीं जानेगी? रूपनगर से लौटने के बाद हम चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले हैं। इस पृथ्वी के चप्पे चप्पे पर हमारा साम्राज्य होगा। ये कहा युवराज? हे डाकू, हमारे युवराज के पद से हट जाओ, अन्यथा इस पद पर तुम नहीं तुम्हारा शव पड़ा होगा। क्यों मौत का वरण करना चाहती है मूर्ख लड़की? मूर्ख तो आप है युवराज। अभी तक ये भी नहीं समझ पाए कि राजवीर सिंह और उसके सैनिक हमें कहाँ क्यों लेकर जा रहे हैं। हमें सब पता है कि ये हमारे युवराज का और राजकुमारी चंद्रमुखी का मिलन करवाने ले जा रहे हैं। सुन लिया ना दुर्गेश्वरी, यदि यही साहस हल्कापुरी में किया होता तो हम तुम्हें जीवित अपने महल की दीवारों में चुनवा देते। युवराज, यदि तुम उत्साहित होकर इसी तरह मूर्खता करते रहे तो ये राजवीर सिंह तुम्हें चंद्रमुखी के महल में जीवित अवश्य चुनवा देगा। सुनो, ये तुम्हें चंद्रमुखी के साथ विवाह के लिए नहीं बल्कि बंधक बनाने के लिए ले जा रहा है। बंधक? तुम्हारे पहले यहाँ जितने भी पथिक आए, ये और इसका साथी रणवीर सिंह, उन्हें कारागार में डाल चुके हैं। अब तेरा समय समाप्त हो चुका है राजवीर सिंह। बोल, विजेंद्र सिंह के बदले में जीवन दान चाहता है या मृत्यु? मृत्यु? परंतु मृत्यु तुम्हारी होगी दुर्गेश्वरी, क्योंकि हम तुम्हारा शीश काट कर काली के चरणों में चढ़ा देंगे, ताकि सदा के लिए तुम्हारे आतंक से मुक्ति मिल जाए और भविष्य में तुम्हारे पद का अवरोध समाप्त हो जाए। राजवीर तलवार तो तुमने मेरी गर्दन पर रखी है, पर लहू तुम्हारी गर्दन से बहेगा। ये मत समझो कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथियों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। परंतु तुम्हारे साथियों के आने से पहले हम तुम्हारे प्राण छीन लेंगे दुर्गेश्वरी। राजवीर सिंह बहुत भाग्यशाली निकला जो इस बार भी मृत्यु के मुख से बच निकला। अब पानी सर से ऊपर निकलता जा रहा है दुर्गेश्वरी, हमें कुछ करना होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी के विनाश का समय आता है ना तो मृत्यु उसे अपने स्थान पर कैसे भी खींच कर लाती है। राजवीर सिंह को अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। देखना भीमा, चलो।
अधिकार है भीम। कौन हो तुम? एक ऐसे भोले भाले लोगों पर दया की जाए या क्रोध? क्षमा करना, मैं चंद्रमुखी से विवाह के विचार से इस खाने बन में नहीं आया। तो फिर क्यों आए हो? यहां जो भी आता है चंद्रमुखी से विवाह करने की लालसा लेकर ही आता है। मैं चंद्रमुखी से विवाह करने की लालसा से नहीं आया, किंतु उस फूल को पाने आया हूं जो चंद्रमुखी के महल के वन के सिवाय इस संसार में और कहीं नहीं है। चंद्रमुखी के फूल को पाना चाहते हो, परंतु क्यों? अगर नहीं बताओ तो फिर मेरी ये तलवार तुम्हारा सर धड़ से अलग भी कर सकती है। प्रतीक, कोई भय नहीं। जब मैं अपने उद्देश्य को लेकर घर से निकला था तो जीवन और मरण के भय को अपनी माँ की कुटिया में ही छोड़ाया था। उठाओ तलवार। वाह, सुंदर तो तुम हो ही, निडर भी हो। तुम्हारे मुख पर छाई शांति बताती है कि बहादुर के साथ साथ तुम सच्चे भी हो। क्या आप मुझे चंद्रमुखी का महल का पथ बता सकती हैं? बता दो सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है। लेकिन क्या एक डाकू के बताए पथ पर तुम्हें विश्वास होगा? मैं एक डाकू हूँ, डाकू दुर्गेश्वरी। दुर्गेश्वरी? क्यों, विश्वास नहीं होता? या फिर मेरा नाम सुनकर भयभीत हो गए? भयभीत नहीं, अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि संकट की घड़ी में आप मुझे यहां मिल जाएंगे। जब मैंने यात्रा प्रारंभ की थी तो देवदर बाबा ने मुझे आपका नाम लिया था और कहा था यदि मैं किसी संकट में फंस जाऊं तो आप मेरी सहायता जरूर करेंगे। देवदर बाबा? तो तुम देवधर बाबा को जानते हो? भली भांति से, वो मेरे लिए मनुष्य नहीं देवता है। यदि ऐसी बात है तो तुम्हारी सहायता करना मेरा प्रथम धर्म है। धन्यवाद, मेरा नाम वनराज है। वनराज, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करना। हमने तुम्हारा स्वागत तीर कमान से किया था, परंतु अब तुम हमारे अतिथि हो और अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। ये बात देवधर बाबा ने ही हमें सिखाई थी। थक गए होगे? चलो हमारे गुप्त स्थान पर चल के थोड़ा विश्राम कर लें। नहीं देवी, विश्राम करना समय नष्ट करना होगा। आप केवल मुझे चंद्रमुखी का महल का पथ बता दें। हम तुम्हें बताएंगे ही नहीं, अभी तो वहां तक पहुंचा भी देंगे। Thank you.
It all started when we heard from the grapevine about a remote village called Barekuri within the Tinsukia district of Assam, where one can sight the lost ape, the Holok Gibbon. It is within this Moran village where a few Holok Gibbon families coexist with humans. Barekuri comprises of 24 such small villages with a total population of 24,000 and more. Our destination was to reach the Barekuri Holok Gibbon Park amidst the Dighol